सितार टीवी के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान म्यूज़िकल बैंड के रूह रवां जनाब अत्थर मिर्ज़ा साहब। आप गिलगित बल्तिस्तान म्यूज़िकल बैंड के रूह रवां हैं। आज का जो कलाम रिलीज़ किया है इनमें इनका किरदार रहा है, इस हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान म्यूज़िकल बैंड के मज़ीद जो काम आपने किए उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, खुसूसन इबाद का जो आज कलाम रिलीज़ हुआ है उस हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? जी, सबसे पहले तो खरमा स्टार टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाल के हमारे इस छोटे से तकरीब में तशरीफ़ लाया और हमें हौसला अफजाई बख्शी। उसके बाद इबाद, जहाँ तक इबाद की मैं बात करूँ, इबाद एक बहुत ही टैलेंटेड यंगेस्ट आर्टिस्ट है जीबी म्यूज़िकल बैंड का। और जीबी म्यूज़िकल बैंड के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीबी म्यूज़िकल बैंड का क़याम जो है ना 2009 में हुआ है और अभी जाके हमने जीबी म्यूज़िकल बैंड के दो चैप्टर बनाए। एक जीबी म्यूज़िकल बैंड है जो गज़लियात और नगमों की तरफ है और इसी में एक चैप्टर हमने बनाए बल्तिस्तान पार्टी के नाम से, जिसमें बल्तिस्तान के मशहूर मशहूर मनकबत ख़्वां हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनको कंपोज करके और उनके लिए म्यूज़िक बना के देते हैं और मनकबत वग़ैरह हम बल्तिस्तान पार्टी के नाम से रिलीज़ कर रहे हैं। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब अत्थर मिर्ज़ा साहब जो गिलगित बल्तिस्तान म्यूज़िकल बैंड और के हवाले से उसके कारकर्दगी के हवाले से बात कर रहे थे। होता है जैसे खेल किता मन गिर के दिल पे तीर सचल का चला गया।